तो देखिए गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बल्क इंसर्शन के बारे में। और ये जो लेक्चर है वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे को कंपनी में प्रॉब्लम आई थी तो मेरे को ये बल्क इंसर्शन ही क्यों सूझा था। ठीक है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ इस लेक्चर के द्वारा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बल्क इंसर्शन होता क्या है। बल्क इंसर्शन मतलब होता है कि आप इंसर्ट ही करा रहे होते हो, बेसिकली एक कलेक्शन में डेटा को आप इंसर्ट करा रहे होते हो। पर यहाँ पर सिंपल नॉर्मली आप इंसर्ट नहीं कराते हो, यहाँ पर क्या होता है आप थाउजेंड्स ऑफ डेटा या लाखों डेटा को एक साथ इंसर्ट कराते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक एग्जीक्यूट होता है जो कि एक साथ आपके हजारों रिकॉर्ड्स को एक साथ डाल देता है। ठीक है, तो इसलिए हमें जरूर यहाँ पर इसलिए हम इसे बोलते हैं बल्क इंसर्शन। यहाँ पर एक साथ डेटा को ये डाल देता है, हजारों लाखों डेटा को। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन पुटअप होता है, व्हाई वी नीड ऑफ बल्क इंसर्शन। ठीक है, अब मैं आपको इसकी जरूरत चीजें बताता हूँ कि इसकी आपको जरूरत कब पड़ेगी। ठीक है, कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ने वाली है अगर आप नोड जेएस डेवलपर हो, चाहे आप मर्न स्टैक या फुल स्टैक डेवलपर हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपको बल्क इंसर्शन की नीड पड़ेगी तब आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी। लाइक मान के चलिए आपके पास बहुत सारा डेटा आ रहा है और आप सर्वर पर जो है आपका नोड जेएस में आप वर्किंग कर रहे हो, तो उसमें क्या है आपको बहुत सारा डेटा डलवाना, लाइक हजारों लाखों रिकॉर्ड्स डलवाने और एक साथ डलवाने। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्या मॉडल का ऑब्जेक्ट बना करके आप डायरेक्ट डलवाओगे या कलेक्शन के यूज करके आप डायरेक्ट उसमें लूपिंग चलाते जाओगे और डलवाते जाओगे, तो ये बड़ा ही घटिया काम है। यहाँ पर ऐसा आप करोगे तो आपका सर्वर काफी बिजी हो जाएगा और आपका टाइम भी ज्यादा लेगा। एपीआई से रेस्पॉन्स आएगा, मतलब जब आप मतलब हजारों रिकॉर्ड्स डालेंगे तो रेस्पॉन्स आप सेंड करोगे तो वो काफी लेट रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो इतना सारा डेटा आप क्यों डालोगे, इसका पर्पस तो आपको पता ही है कि आपको डालना पड़ेगा क्योंकि आपके पास हजारों रिकॉर्ड्स है। अगर आपको पुश नोटिफिकेशन भेजनी है, लाइक मैं अपनी बात करूं, मेरे को जो प्रॉब्लम आई थी तो मेरे को पुश नोटिफिकेशंस भेजनी थी हजारों यूजर्स को। ठीक है, तो एक साथ मैं कैसे कर पाऊंगा और मैं अपने डेटाबेस में कैसे एंट्रीज कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहां पर बल्क इंसर्शन यूज किया था कि वहां पर मेरे को चुटकियों में मेरा काम बन चुका था। तो बल्क इंसर्शन काफी फास्ट होता है और डेटा को ये काफी फास्टली डालता है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट को हमें न्यू करके नहीं क्रिएट करना होता है या आपको कलेक्शन से डायरेक्ट अटैच करके नहीं डालना होता डेटा। ठीक है, यहाँ पर आप बल्क इंसर्शन को क्रिएट करते हो, फिर आप उसमें डेटा डालते हो, फिर उसे एग्जीक्यूट कर देते हो। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि इसे हमें क्यों नीड पड़ने वाली। इससे थोड़ा आपका सर्वर का जो टाइम है वो बचता है कि आपका सर्वर ज्यादा टाइम ना ले, हजारों रिकॉर्ड्स लाखों रिकॉर्ड्स को आप तुरंत डलवा दो थोड़े से टाइम के अंदर ही। ठीक है, एंड देन यहाँ पर इसे कैसे परफॉर्म करना है बल्क इंसर्शन को, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम कर देते हैं इसको क्लोज। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल इंडेक्स डॉट जेएस एक फाइल बनाई हुई है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा नोड मॉन को स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ, तो नोड मॉन इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं स्क्रीन थोड़ा, जिससे कि आपको क्लियर हो। तो आपको पता ही होगा कि मैंने यहाँ पर मोंगो डीबी को इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, मैंने मोंगो क्लाइंट यहाँ पर यूज किया हुआ है और अपना डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि लोकल यूआरएल से मैंने कनेक्टिविटी की हुई है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास डीबीओ नाम के वेरिएबल में क्या है, एक डीवी नाम का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब जिससे मैं डेटाबेस के कलेक्शन को मतलब गेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है गाइस, ध्यान से समझिए कि मैं यहाँ पर बल्क इंसर्शन कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब स्टेप क्या होगा, लाइक मान के चलिए आपके पास हजारों रिकॉर्ड्स आए, कुछ डेटा वेरिएबल्स में ही आ रहे होंगे। तो ठीक है, वो आप मान के चलिए कोई भी आपका डेटा है, लाइक आपके पास कुछ भी हो सकता है। लाइक मैं मान के चलता हूँ किसी आपके डेटा की जो लेंथ है वो मान के चलिए 100 है। ठीक है, मैं 100 मान करके चल रहा हूँ, आपकी चाहे कितनी भी हो। तो आपने उस की लेंथ निकाली, 100 ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, अब उसमें डेटा आपका होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, फोर लूप आप यहाँ पर यूज करोगे। मैं मना नहीं कर रहा, फोर लूप आपको यूज नहीं करना, करना है। चाहे आप फोर ईच लूप यूज करो, चाहे आप फोर लूप यूज करो, मैं यहाँ पर फोर लूप यूज कर रहा हूँ। आप फोर ईच लूप यूज करोगे जब आपके पास डेटा आ रहा होगा। ठीक है, फिलहाल में मैं यहाँ पर स्टैटिक डेटा डलवाऊंगा, पर 100 रिकॉर्ड्स ऑफ मेरे इंसर्ट होने वाले हैं। ठीक है, और ये काफी टाइम को सेव करके रखेगा, वरना आप क्रिएट करके देखना न्यू करके। ठीक है, न्यू करके या चाहे आप डायरेक्ट करके। ठीक है, अभी ये मैं चलाता हूँ एलजीटी तक। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं आई प्लस प्लस करता हूँ। अभी यहाँ पर मैं बात करूंगा बल्क इंसर्शन को कैसे परफॉर्म करोगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको करना है कि ये आपका जो डीबी का ऑब्जेक्ट है, जो सॉरी डीबी का जो आपके पास वेरिएबल है,
तो यहाँ पर आपको करना है कि आप यहाँ पर आपको पता है कि कलेक्शन का यूज करना होता है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है सिंपल में डीबी ओ, ठीक है, आपका चाहे डीबी वेरिएबल हो चाहे आपका कुछ भी हो, तो आपको ये जरूरी है कि मोंगो डीबी के साथ आप कनेक्टिविटी करके रखे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप मोंगो कलेक्शन यूज करोगे, ठीक है। इसके अंदर आप मान के चलिए मेरा कोई कलेक्शन अभी क्रिएटेड नहीं है इस टेस्ट बल्क नाम का डेटाबेस में, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए मैं नोटिफिकेशन का ये एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, आपका कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, लाइक मैंने नोटिफिकेशंस नाम का एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको पता है आप कलेक्शन बनाते हो फिर आप डेटा इंसर्ट करवाते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बल्क इंसर्शन परफॉर्म करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं इनिशियलाइज करूंगा, मैं यहाँ पर इनिशियलाइज क्या करने वाला हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑर्डर इनिशियलाइज ऑर्डर बल्क ओ, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, बल्क ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आपको यहाँ पर उसे इनिशियलाइज करना होगा बल्क ऑपरेशन को। यहाँ पर ये ओपी का मतलब होता है ऑपरेशन, ठीक है, बल्क ऑपरेशन, ठीक है, ये आपको समझ में आया। सबसे पहले आप इनिशियलाइज करोगे बल्क ऑपरेशन को, लाइक आपने इसको इनिशियलाइज करके एक वेरिएबल में रख लिया, लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया बल्क नाम का, ठीक है, और इसको मैंने इनिशियलाइज करके एक वेरिएबल में रख लिया। अब मैं चाहता हूँ इसमें हजारों लाखों रिकॉर्ड्स जो हैं इंसर्ट हों, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इस बल्क को यूज करूंगा और मैं यहाँ पर आता हूँ बल्क डॉट इंसर्ट का यूज करूंगा, ठीक है। अब इसमें आपका डेटा आ रहा होगा, डेटा आप फोरिच लूप लगाओ चाहे फोर लूप लगाओ उसके द्वारा आप यहाँ पर डलवाओगे, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर अभी स्टैटिक डेटा डलवाता हूँ, लाइक सबसे पहले मेरा होगा मैसेज, ठीक है, मैं एक मैसेज की बना लेता हूँ जिसमें क्या होगा, लाइक मेरा मैसेज मैं यहाँ पर कंकेटिनेट कर देता हूँ अपने आई को, जिससे कि आपको काउंट होकर के पता चल जाएगा 100 रिकॉर्ड्स ऑफ गए हैं। एंड देन लाइक मान के चलिए अभी आपका कुछ और भी डेटा हो सकता है, फिलहाल में मैं क्रिएटेड एट अपडेटेड एट डाल के रख देता हूँ, लाइक क्रिएटेड एट अपडेटेड एट डेट डॉट नाउ, ठीक है, जिससे क्या होगा मेरी करंट डेट आ जाएगी, सॉरी डेट डॉट नाउ होता है, डेट मेथड नहीं होता, ठीक है। एंड देन सेम थिंग मैं करूंगा अपडेटेड एट के साथ, देखिए मैं यहाँ पर मेरा मतलब ये है बस आप समझ लो, ठीक है, ये नहीं है कि मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ वही आप यूज करो, मतलब कि आपको जिंदगी में काम आ सकती है ये चीज, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, हजारों रिकॉर्ड्स आ रहे थे आपके डेटाबेस मतलब आपके सर्वर पर रिकॉर्ड आया, उसमें से आपने फोरिच लूप चलाया चाहे फोर लूप चलाया, अब आप क्या कर रहे हो उसमें से बल्क को इनिशियलाइज करने के बाद आपने इंसर्ट कराया फोर लूप के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका डेटा होगा वो फोरिच के अंदर आता जा रहा होगा जो कि बल्क डॉट इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। अभी ये डेटा गया नहीं है आपके डेटाबेस में, अगर आपको यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा नीचे जो आउटपुट आएगा तो लाइक बल्क इंसर्टेड बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देख पा रहे हो अभी मेरा डेटाबेस क्रिएट ही नहीं हुआ है, क्योंकि डेटाबेस क्रिएट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कलेक्शन के अंदर कोई एंट्री गई नहीं, ठीक है। एंट्री तभी जाएगी जब हमें बल्क को एग्जीक्यूट करना होगा, मान के चलिए आपके हजारों लाखों रिकॉर्ड्स को आप यहाँ पर इंसर्ट करा रहे हो पर इंसर्ट नहीं हुए अभी, अभी आपको बल्क को एग्जीक्यूट कराना, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो भी आपने बल्क को इनिशियलाइज करते वक्त आपने जो वेरिएबल बनाया था उसका यूज करेंगे, एंड देन डॉट आप यूज करें यहाँ पर एग्जीक्यूट मेथड को, ठीक है। अब जैसे ही आप एग्जीक्यूट को सेव करोगे, लाइक मैं फाइल को सेव करूंगा, यहाँ पर ये 100 रिकॉर्ड्स को एंटर करा देगा, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर सेव किया और देख सकते हो तुरंत के तुरंत इसने 100 रिकॉर्ड्स डाल दिए, और यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा टेस्ट बल्क नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हुआ, कलेक्शन हुआ क्रिएट, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस 100 ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पर जा चुके हैं, लाइक मैं यहाँ पर लास्ट वाले पेज पर जाता हूँ तो यहाँ पर देखोगे तो आपको लाइक देख पा रहे हो यहाँ पर 99 मतलब 0 से स्टार्ट हुआ 99 तक आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं बल्क का, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, जब मेरे को आ सकती है तो आपको क्यों नहीं, ठीक है। तो बल्क इंसर्शन आपको समझ में आया होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस लेक्चर था, तो ऐसे ही एक्सपीरियंस लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सो थैंक यू।